मोदी जी के गोद में रहने से ये कुछ कर ही नहीं सकता है, इनका चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा पे आज सरकार है, आज आक्रोश है, हर जाति धर्म के लोग रोड पे उतर रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी रोड पे उतर रहा है, और खास करके आप वोट बैंक की जो राजनीति कर रहे हैं। नागरिक संशोधन बिल लाइए, उसमें आपत्ति नहीं है, उसमें किसी एक जाति विशेष को आप टारगेट मत कीजिए। एक गांव में एक चोर आ जाए और उस गांव के सारे लोगों को आप चोर कह दीजिएगा, सारे लोगों को अपना साबित करना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूं, तो ये गलत है ना। आने वाले भविष्य के एग्जाम भी देके क्या कर लेंगे, नौकरी है। अरे मोदी जी के गोद में रहने से ये कुछ कर ही नहीं सकता है, इनका चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा पे आज सरकार है, आज आक्रोश है, हर जाति धर्म के लोग रोड पे उतर रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी रोड पे उतर रहा है, और खास करके आप वोट बैंक की जो राजनीति कर रहे हैं। नागरिक संशोधन बिल लाइए, उसमें आपत्ति नहीं है, उसमें किसी एक जाति विशेष को आप टारगेट मत कीजिए। एक गांव में एक चोर आ जाए और उस गांव के सारे लोगों को आप चोर कह दीजिएगा, सारे लोगों को अपना साबित करना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूं, तो ये गलत है ना। आने वाले भविष्य के एग्जाम भी देके क्या कर लेंगे, नौकरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत और मैं आपके साथ प्रेमराज। जी हाँ, अभी हम बैठे हैं VIP के ऑफिस में, यहाँ पे मुकेश सहनी जी है। इनसे आज जाने जो नीतीश कुमार ने जिस तरह एनआरसी को लेकर बयान दिया है और बयान बदला है उन्होंने, उस पर मुकेश सहनी जी का क्या कहना है सर, जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना बयान बदला है। निश्चित तौर पर पता चला है मुझे कि उन्होंने बिहार के लोगों को भरोसा दिलाया कि NRC नहीं होने देंगे, तो इससे पहले भी उन्होंने भरोसा दिलाया था बिहार के लोगों को कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ तो पूरा बिहार के लोगों को पता है। तो दरअसल ये बात है कि कुछ जाति समुदाय को लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि आपको पता है 2020 में बिहार में चुनाव है, तो उनको मालूम है NRC होने में भी टाइम 22 होगा, लेकिन 20 में चुनाव किसी तरीके से फिर से वोट लेके लोगों को गुमराह करके और फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। तो दरअसल रणनीति ये है कि झूठ मूठ को ये बोल रहे हैं, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है, उनका चलेगा ही नहीं। जब मोदी जी अगर कोई काम कर रहे हैं तो मोदी जी को रोकने का हैसियत इनका क्या है, और वो भी एक बार विपक्ष में रहेगा तो आप विरोध कर सकते हैं, उनके साथ रहकर उनके सहयोगी रहकर उनके दम पे आप सरकार चला रहे हैं और उनको आप कैसे बोलिएगा कि ये काम नहीं करने देंगे हम बिहार में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता को लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और ये मोदी जी के गोद में रहने से ये कुछ कर ही नहीं सकता है, इनका चलेगा नहीं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा पे आज सरकार है, कल अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन अगर खींच लेगा तो कल का कल बिहार में नीतीश कुमार जी का सरकार गिर जाएगा। तो जो इनको कुर्सी से प्यारा है वो तो आपको भी पहले से ही पता है, इनको सत्ता में रहना है, तो किसी तरीके से मोदी जी जो कहेंगे वो सुनेंगे, इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और NRC होगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रहा कि हम देश के सरकार को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री जी को कहेंगे कि ये NRC पे ध्यान दे और इसमें जो चीज़ गलती है उसको सुधारें, सही करें, और एक जाति समुदाय को टारगेट ना करें। हम लोग बरसों से एक दूसरे को हर जाति धर्म भाईचारा बना के हैं और इस भारत खूबसूरत भारत को बिगड़ने ना दे। आज जिस तरीके से देश में आज आक्रोश है, हर जाति धर्म के लोग रोड पे उतर रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी रोड पे उतर रहा है, और खास करके आप वोट बैंक की जो राजनीति कर रहे हैं, देश को आपको चलाने का मौका मिला है, लोगों ने आपको देश का प्रधानमंत्री चुना है, तो किस लिए चुना है, कि उनके बेहतर भविष्य के लिए, वो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लोगों को, युवा को रोजगार दीजिए। आज लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार है, 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत होगा युवा का देश, जो 2020 में भारत में दुनिया से सबसे ज़्यादा युवा भारत में होगा, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो सब सारे चीज़ें कीजिए, ये जो चीज़ें आप जो कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं, लोगों को मुद्दा से भटका रहे हैं, वो सब नहीं करके देश के तरक्की के लिए काम कीजिए। रहा आप NRC लाइए, नागरिक संशोधन बिल लाइए, उसमें आपत्ति नहीं है, उसमें किसी एक जाति विशेष को आप टारगेट मत कीजिए, आप लाइए, देश की सुरक्षा के लिए काम कीजिए, देश की उन्नति के लिए काम कीजिए, लेकिन जब एक जाति विशेष को आप टारगेट कीजिएगा तो किसी कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा,
तो और हमको अभी भारत का नागरिक साबित करना पड़े तो बताइए इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हम भारतीय हैं, भारत में जन्म लिए हैं और हमको जाके साबित करना पड़ेगा तो कितना अलग लग रहा है। हाँ, आपको लगता है कि कोई ऐसे कंट्री से आपके भारत में आके जासूसी कर रहा है, घुसपैठी बने हुए हैं, यहाँ पे रह रहा है, तो उसको आप निकाल भागे भगाइए, उसको भगाइए, जो करना कीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए। लेकिन आप एक गांव में एक चोर आ जाए और उस गांव के सारे लोगों को आप चोर कह दीजिएगा, सारे लोगों को अपना साबित करना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूं, तो ये गलत है ना। सरकार है, सिस्टम है, प्रशासन है, जिस गांव में जो एक चोर घुस गया उस चोर को निकालिए, ढूंढिए, पकड़िए, आपके पास संसाधन है, सिस्टम है, उसको पकड़िए। लेकिन उस गांव के सारे लोगों को आप चोर कह दीजिएगा तो ये तो गलत है। अब सारे लोग आके साबित करें कि मैं चोर नहीं हूं तो ये तो सब अपना काम धंधा छोड़ के इसी में लग जाए। कहीं ना कहीं जो आपका पॉलिसी बन रहा है वो गलत बन रहा है। आपके नेपाल में करोड़ों भारत के लोग रह रहा है, नेपाल के करोड़ों लोग हिंदुस्तान में रह रहा है, आप उसका क्या कीजिएगा? सर, कल आप लोगों ने बिहार बंद किया था, कल भी बंद है। जी से बीजेपी के जो एमएलसी आए थे उसके बाद अगर कल कर रहे हैं आप लोग उस तरीके के कोई आते हैं तो फिर क्या एक्शन होगा? देखिए, गठबंधन के तरफ से एक अपना उनका विरोध प्रकट करने का एक अपना अधिकार है, वो भी अपना आए, उनको भी जो चीज़ पे विरोध प्रकट करना है वो भी करे, स्वतंत्र है और विरोध अपना प्रकट करे। रहा, हम लोग अपील करेंगे कि शांतिपूर्ण विरोध हो, बंदी हो, किसी को नुकसान न दिया जाए, सरकारी संपत्ति हो या गैर सरकारी संपत्ति हो उसको नुकसान न दे। तो हम अपील करेंगे सारे हमारे समर्थक से कि शांतिपूर्ण इस तरीके से कार्यक्रम करें, किसी को तकलीफ ना दे। और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि कल एक रोज का बात है, आप घर पे रहें, आप ऐसे जगह ना फंस जाए जहाँ पे आपको समस्या हो, तो एक दिन का काम जो है वो पोस्टपोन कर ले, क्योंकि ये हम आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले जनरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को अगर गलत काम करता है तो हम लोगों का फर्ज है, हर देश के नागरिक को फर्ज है कि सर रोड पे उतरने का और सरकार को बताए कि आप आज जो जरूरी है, समस्या है, लोगों को खाना पीना, दवा दारू, एजुकेशन, इसलिए हम लोग 22 तारीख को, 23 तारीख को किया गया है, 22 तारीख को है, उसको हम लोग ध्यान में रखे हैं। और रहा कि देखिए, अभी आने वाले भविष्य के एग्जाम भी देके क्या कर लेंगे, नौकरी है, करोड़ों लोग आप जैसे युवा आज नौकरी नहीं है इसलिए आज इधर उधर भटक के जो मर्जी होता है वो काम कर रहे हैं, आज करोड़ों युवा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जाके काम कर रहे हैं, तो समस्या है। आप यही, अगर बिहार में ज़्यादा समस्या है, बिहार के साथ साथ भारत में समस्या है, यही अमेरिका में अगर आप जन्म लेते तो आपको इतना परेशानी झेलना पड़ता? नहीं झेलना पड़ता। आप विकसित कंट्री में जन्म लेते तो आज इतना समस्या आपको नहीं झेलना पड़ता। तो इसलिए क्यों, उन्होंने भी मेहनत किया, अच्छे पॉलिसी बनाया, इसलिए आज आसमान छू रहा, तो आप भी अच्छे मेहनत करने में तो दुनिया से सबसे आगे है भारत है, लेकिन अच्छे पॉलिसी की जरूरी है। जिस रोज अच्छे हमारे भारत में पॉलिसी बन जाएगा, दुनिया में सबसे आगे भारत पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे राजनेता जो है वो अच्छी पॉलिसी नहीं बना पाते, वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं, जैसे वो चुनाव जीतने के लिए उनको जो ट्रेंड अच्छा लगता है वही ट्रेंड पे काम करते हैं। तो जस्ट आपको पावन में रह के देश को सेवा करने का आप इच्छा रखते हैं और देश को फिर गुमराह करते, ये उचित नहीं है। देखिए, मोदी नीतीश जी का डबल स्टैंडर्ड है, वो पलटी मारने में माहिर है, इसलिए वो इस तरीके का बयान दिए हैं। उनको 2020 चुनाव जीतना है इसलिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा और चलेंगे। तो मुकेश सहनी जी ने साफ तरीके से बताया कि नीतीश कुमार पलटी मारने में आ गए हैं और जब तक उनको गद्दी पे बैठना तब वो जब जिधर मन करेगा उधर पलटी मार सकते हैं। और न्यूज़ फॉर भारत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।